हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो इसमें मैं ये एक डेकोरेटिव आइटम बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने कैसे बनाया है चलिए दिखाती हूँ। दिवाली आने वाली है तो मैं दिवाली के पर्पज़ से ये सारी चीज़ें घर पे ही बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना वीडियो शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड है जिसको मैंने राउंड शेप में कट किया है और उसके ऊपर मैंने फैब्रिक जो है चिपका दिया है राउंड शेप में ही, और इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। फैब्रिक को ग्लू की हेल्प से चिपकाऊंगी और अच्छे से फ्रंट साइड से भी कवर करूंगी और बैक साइड से भी इसको कवर करूंगी। तो यहाँ पे मैं फेविकोल की हेल्प से इसके बैक साइड को भी कवर कर रही हूँ। उसके बाद ये रिबन है येलो कलर का, इससे मैं एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है। तो पहले सबसे पहले मैं इसके किनारे को जो है थोड़ा सा बर्न कर लूँगी लाइटर की हेल्प से दोनों साइड से, ताकि इसकी जो थ्रेड है बिल्कुल भी निकले ना। और यहाँ पे जो बड़ी वाली निडल आती है उसकी हेल्प से मैं ये फ्लावर बनाऊँगी। तो फ्लावर बनाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे, और इसको मैं कैसे बनाई हूँ आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। तो ये फ्लावर बनाना जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है इसको बनाना, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने इसको बनाना शुरू किया था तो जल्दी बन नहीं पाता था, क्योंकि इसको बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो जब मैंने 3-4 बार इसको बनाया तो फिर ये मेरे से बनने लगा, और पहली बार जब बनाया था तो बिल्कुल बन नहीं पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर 3-4 बार प्रैक्टिस के बाद ये फ्लावर बन जाता है, तो एक छोटा सा फ्लावर बन के आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास चौड़ा रिबन है तो बड़ा फ्लावर बनेगा, अगर पतला वाला रिबन है तो उससे छोटे छोटे फ्लावर्स बनेंगे। तो इससे मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी अलग अलग कलर के। तो इस तरीके से मैं फ्लावर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन कलर की बैंगल है जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी पुरानी बैंगल है। तो इससे मैं जो है दिया होल्डर कह सकते हैं या फिर कैंडल होल्डर भी कह सकते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और इसमें पिंक एंड येलो कलर सिल्वर कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बना के मैंने साइड पर इसको डेकोरेट किया है। उसके बाद एक पतली सी छोटी सी लेस है उसके थ्रू मैं बैंगल को ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ये वाली लेस यूज़ की है इसकी सिंगल लेयर कट करके और यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेरे पास राउंड शेप में कार्डबोर्ड था उसको मैंने थोड़ा साइड पे ये वाली लेस लगा के डेकोरेट किया है, और इसकी 3 लेयर लगाई है मैंने जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है और चारों तरफ से बॉर्डर सा बन गया है। यहाँ पे मेरे पास राउंड शेप में छोटे छोटे थर्माकोल के पीसेस थे जिसमें 4 पीस था, तो इसको मैंने 2 पीस को एक साथ ज्वाइंट किया है ग्लू की हेल्प से। उसके बाद मैं इसको रेड कलर से जो है कलर कर दूंगी जिससे कि इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको कलर कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। उसके बाद यहाँ पे बैंगल्स हैं जिनमें स्टोन निकले हुए थे, तो वहाँ पे भी सेम लेस से मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी जिससे कि ये हाइड हो जाए, और इसको लगाने के बाद बैंगल का लुक चेंज हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो है ये थर्माकोल के जो पीसेज हैं उसके बैक साइड में मैं ग्लू लगाऊंगी, ग्लू की हेल्प से मैं इसको कार्डबोर्ड जो कट किया था उसके ऊपर मैं बीच में इसको पेस्ट कर दूंगी, चिपका दूंगी अच्छे से। उसके बाद बैंगल के बैक साइड पे मैं ग्लू लगाऊंगी, और ग्लू लगा के इसको थर्माकोल के ऊपर से फिक्स कर दूंगी, बीच में चिपका दूंगी अच्छे से जिससे कि ये एक दिया होल्डर बन जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे जो रिबन के फ्लावर्स हैं उसको आगे की साइड में थोड़े थोड़े गैप करके लगा दूंगी जिससे कि इसका लुक और ज़्यादा उभर के आएगा, और ये एक बहुत ही सुंदर सा दिया होल्डर बन गया है, कैंडल होल्डर बन गया। आप इस पर कैंडल भी लगा सकते हैं, दिया भी लगा सकते हैं दिवाली के दिन, या फिर आप इस तरीके से भी सजा के भी घर में रख सकते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके बीच में ये जो होल है इसको आप कवर कर सकते हैं, कैंडल जब चिपका देंगे या फिर रख देंगे तो ये कवर हो जाएगा, तो ये हाइड हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने घर में रखी हुई चीज़ों से ही इसको बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स।